तो वही कांग्रेस के निंदा प्रस्ताव और निंबाराम की गिरफ्तारी को लेकर पास किए गए प्रस्ताव पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों को डाइवर्ट करने में माहिर है। पूनिया ने कहा कि जो काम कानून को करना चाहिए वो पीसीसी में हो रहा है, ये बड़ी पराकाष्ठा है। तो उधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा कि काम पीसीसी का नहीं, एसीबी इस मामले में जांच कर रही है। उन्होंने किसी प्रस्ताव के माध्यम से किया है, मैं उनसे विनम्र पूछना चाहता हूँ कि जो काम एसीबी को करना है, एसीबी जिसकी जांच कर रही है, एसीबी अगर जांच में उनको दोषी पाएगी तो एसीबी उस पर कार्रवाई करेगी, पर आप पीसीसी के माध्यम से एसीबी के काम में दखलंदाजी करने के लिए जिस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है, ये निंदनीय है। भी काल्पनिक प्रश्न है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा ही है। मैं अपनी बात को करेक्ट कर लेता हूं कि 2023 कब आएगा, कब नोमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के लिए 2023 भी आएगा, क्योंकि जो असंतोष का विस्फोट है वो कभी भी हो सकता है।